नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज का हमारा टॉपिक है रेड ओशन स्ट्रेटजी एंड ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या होता है रेड ओशन स्ट्रेटजी और क्या होता है ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। ये जो टॉपिक है ये पूछा था कि सब्सक्राइबर ने किसी वीडियो के कमेंट में। तो यार आगे ये वीडियो आई नो बहुत लेट किया है मैंने इस वीडियो को बनाने में, लेकिन क्या करूँ यार, मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे थे, समझ जाना बाकी। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए रेड ओशन स्ट्रेटजी। उससे पहले मैं बता दूं, जो मार्केट होता है ना जिसमें कंपनी सर्वाइव करती है, ये बहुत कंपेटिटिव होता है। ठीक है, उनको आपस में कंपीट करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए। तो रेड ओशन स्ट्रेटजी यही होती है कि जो मार्केट में पहले से कंपनीज़ हैं उसके बीच में जाके अगर हम कंपीट कर रहे हैं एज अ कंपनी या एज अ फर्म, तो हम यूज़ कर रहे हैं रेड ओशन स्ट्रेटजी। जो पहले से कंपनीज़ हैं उनके बीच में कंपीट करके हम सर्वाइव कर रहे हैं। इसका एग्जांपल ले लो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज़। जो सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं उनका प्राइस लगभग सेम ही होता है। अगर एक ने प्राइस कम किया तो सबको प्राइस कम करना पड़ेगा। तो यही होता है कंपटीशन। ठीक है, तो रेड ओशन स्ट्रेटजी इसे ही कहते हैं कि आपस में जो कंपीट करें बहुत सारी फर्म्स सर्वाइव करने के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड ब्लू ओशन स्ट्रेटजी क्या होती है? ब्लू ओशन स्ट्रेटजी रेड ओशन स्ट्रेटजी से ही निकल कर आती है। ब्लू ओशन स्ट्रेटजी ये होती है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम खुद की डिमांड बना रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, खुद का हम ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसकी नई डिमांड क्रिएट होगी। इसका एग्जांपल हो सकता है आईपॉड। आईपॉड में क्या बोला था स्टीव जॉब्स ने? स्टीव जॉब्स ने बोला था कि आपका मतलब ऐसा है ना आईपॉड के अंदर कि आप जितना भी अपना प्लेलिस्ट है जो सुनने वाली चीज़ें अपने पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। ठीक है, तो उसने ऐसा कह के एक नई डिमांड क्रिएट की थी मार्केट के अंदर। तो ये इसको बोलेंगे ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। मार्केट में क्या चल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपना खुद का कुछ नया लेके आएंगे मार्केट में। ठीक है, तो होप आप समझ गए होंगे दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है और क्या इन दोनों का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो अब अगर अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, आई नो मैं इतनी डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन इतना समझा दिया है कि अगर आप भी जाके बुक में पढ़ोगे ना तो समझ में आने लग जाएगा, ऊपर से नहीं जाएगा सब कुछ। ओके, तो नीचे लिख ही देना अगर कोई डाउट होगा। अगर आपको भी वीडियो चाहिए बी बी एम बी ए बी कॉम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बना दूंगा वीडियो। और लाइक कर ही देना इस वीडियो को, पसंद आई गई होगी। सब्सक्राइब करना भूलना मत चैनल को। ठीक है, सुन लिया? सब्सक्राइब करना भूलना मत चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।